हेलो फ्रेंड, सबसे पहले बात करेंगे कोई भी हमारा आधार कार्ड है उसे पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए। चाहे आप अपने परिवार का किसी का आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना चाह रहे हैं या फिर अपना खुद का, तो आप अपने मोबाइल से भी ये काम कर सकते हैं। और आप अपने अगर लैपटॉप अगर आप रखे हैं तो लैपटॉप से भी काम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने गूगल को ओपन करना होगा या फिर गूगल क्रोम, मतलब कि सॉरी गूगल, एक गूगल का भी फीचर्स है, आप गूगल क्रोम में भी खोल सकते हैं। और फायरफॉक्स जो भी है आप अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे, जैसे कि आप अभी तक जो मोबाइल में है गूगल क्रोम इंस्टॉल किया हुआ रहता है, या फिर आप लैपटॉप में है तो आप गूगल क्रोम भी ओपन कर सकते हैं, या फिर फायरफॉक्स जो आपके ब्राउज़र लैपटॉप में है वो ब्राउज़र ओपन कर लें। उसके बाद जैसे कि हमें टाइप करना होगा आधार लिंक पैन कार्ड वगैरह, जैसे लिख देंगे जैसे कि यहाँ हम लिखे हैं, आप फिर से ऐसे लिख के दिखा देते हैं कि आधार लिखना है, आधार लिंक लिखिएगा, पैन कार्ड ऐसे ही लिख दीजिएगा, पैन कार्ड लिखिएगा, तो ऑटोमेटिक इतने लिखने के बाद आपको इंटर कर देना है। और इंटर करने के बाद देखिए ऊपर में जो वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पे आपको देखिए लिंक आधार इनकम टैक्स का इसे आया, इसमें आया हुआ है देखिए ऊपर में, तो इसको आप ओपन करेंगे। और ओपन हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे पैन कार्ड नंबर देना है, पैन कार्ड नंबर जो है आपको जो भी पैन कार्ड नंबर संख्या जो होगा उसको आपको टाइप कर देना है पूरा। उसके बाद इनमें आधार नंबर नीचे में टाइप करना है, जैसे कि जो भी आपका आधार नंबर है आप इसे पूरा टाइप कर दें, जैसे कि जो भी आधार नंबर है पूरा, जैसे कि 10 12 अंक 12 अंक का होता है तो उसे टाइप करेंगे। उसके बाद जो आधार कार्ड में जो नाम है उस जिस तरह नाम जो लिखा हुआ है उसी टाइप का आपको लिख देना है पूरा नाम जो भी है। तो आपको कहने मतलब कि एग्जांपल के तौर पे आपको पूरा फिर से हम बता देते हैं कि मान लीजिए मेरा पैन कार्ड संख्या ABCD कुछ भी है और 13 12 कुछ भी है ऐसे। उसके बाद मेरा आधार संख्या मान लीजिए कुछ भी है, हम ऐसे कुछ भी डाल लेते हैं, मेरा नाम मान लीजिए ABC कुमार है तो मैं ABCD वगैरह कुमार लिख देता हूँ। और लिखने के बाद आपको इतना करने के बाद यहाँ पे एग्री पे करना है, इसका लिखा है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, तो आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ क्लिक नहीं करने से सॉरी, इसको ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लिक ही करना है बल्कि आप इसे एग्री कर सकते हैं। और जो इमेज है यहाँ पे इमेज इसे जो या फिर OTP से काम कर सकते हैं आप, तो अच्छा होगा कि आप कैप्चा जो है दिया हुआ है जैसे कि M M, तो आप जैसे बड़ा अक्षर है तो बड़ा अक्षर में आप लिख लें MXA, उसके बाद 8, उसके बाद R, फिर B, ऐसा लिख के आपको यहाँ लिंक पे इसको रिक्वेस्ट जो OTP है इस पर टिक नहीं करना है। उसके बाद लिंक जो इस पर ओके करेंगे तो लिंक हो जाएगा। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर दिक्कत होता है लिंक कराना बहुत ही अनिवार्य है। और अगर आप साइबर कैफे जाते हैं तो वहाँ 50 रुपये आपको चार्ज कर लिया जाएगा लिंक कराने के लिए। तो आप ऐसे भी आप घर बैठे आप अपने मोबाइल से भी काम कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे ही वेबसाइट इसमें जरा लैपटॉप में ज़रा सा बड़ा खुलता है, मोबाइल से भी वही सेम टू सेम है, या फिर गूगल क्रोम को डेस्कटॉप मोड में भी ओपन कर सकते हैं आप। तो आप ऐसे आपका नाम डाल के जितना भी आपका जो भी आपको कराना जा मतलब कि आपका घर का कराना है, अपने खुद का कराना है लिंक, तो आप ऐसे आप लिंक कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप सीख ही गए होंगे कि कैसे लिंक कराना है आधार कार्ड में अपने पैन कार्ड को, अपने आधार को बल्कि जो भी है आधार को मतलब पैन कार्ड में आधार को आप लिंक करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये और मैं बता दूं, आपको आधार लिंक पैन कार्ड ऐसे सर्च करना है, आधार लिंक पैन कार्ड ऑनलाइन वगैरह ऐसे लिख लीजिएगा, आधार लिंक पैन कार्ड ऐसे लिखिएगा तो फर्स्ट वाला देखिए वेबसाइट आ रहा है ना, लिंक आधार इनकम टैक्स, इस तरह आपका नाम लिखा हुआ आएगा, या फिर इस तरह दो वेबसाइट आ रहा है इस पर में, लेकिन अभी स्टेटस भी चेक कर सकते हैं नीचे के वेबसाइट से, और ऊपर से आप डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से सीख ही होंगे अपने पैन कार्ड में आधार को कैसे लिंक करेंगे। और अगर चैनल पे आप नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी का भी जो निशान है उसको दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम ऑनलाइन वगैरह जो भी कुछ है सब कुछ डालते हैं इसमें, मोबाइल ट्रिक्स वगैरह, कंप्यूटर के बारे में, इंटरनेट के बारे में सब कुछ जानते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी का भी निशान दबा दीजिए। फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय।